नमस्कार, संध्या किचन में आपका स्वागत है। आज हम घर पे सांभर मसाला पाउडर बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है और घर का सांभर पाउडर बहुत ही अच्छा बनता है। इसके लिए हमने अरहर की दाल लिया है 1/4 कप, चने की दाल 1/4 कप, धुली उड़द की दाल 1/4 कप, 2 चम्मच साबुत धनिया और ये 15-20 करीब लाल मिर्च है साबुत, करी पत्ता है थोड़ी सी, 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच मेथी दाना, 1/2 चम्मच के करीब नमक है, सरसों के दाना 1.5 चम्मच, 1.5 चम्मच जीरा और हींग 2 पिंच और 15-20 काली मिर्च। अब हम इसको सबसे पहले चने दाल, अरहर चने की दाल और उड़द की दाल तीनों को हम एक साथ डाल करके हम इसको 3-4 मिनट अच्छी तरह से हम भूनेंगे। इसको गैस लो फ्लेम करके हम इसको भूनेंगे। अब हमारी ये दालें भून गई हैं, अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम निकाल लेंगे। फिर से हम पैन में साबुत डालेंगे, इसको हम एक मिनट के लिए बस इसको भूनेंगे। कढ़ाई हमारी गर्म है इसलिए बहुत जल्दी भून जाएगा। इसका कलर चेंज हो गया है, अब ये भी हो गया है, इसको भी हम निकाल देंगे। अब हम साबुत धनिया को भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ये भी हमारा भून गया है, इसको भी हम निकाल लेंगे। अब हम मोटी सरसों, जीरा, मेथी और काली मिर्च इनको भी हम 1-2 मिनट तक भूनेंगे। ये भी हमारे भून गए हैं, उसको भी हम निकाल लेंगे। अब हम लास्ट में करी पत्ते को भी 1 मिनट तक भूनेंगे। करी पत्ता भी हमारा भून गया है, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब ये हमारे सारे मसाले भून गए हैं, अब हम इसको मिक्सर जार में ग्राइंड करेंगे। अब हम मिक्सर ग्राइंड लेंगे और इसमें हम सभी मसालों को डाल देंगे। इसमें हम हल्दी पाउडर 1.5 चम्मच के करीब हम डालेंगे, हींग स्वाद अनुसार 1/2 चम्मच के करीब हम नमक डालेंगे और इसको हम पीस लेंगे। अब हमारे ये सांभर पाउडर बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं।
अब हम इसको प्लेट में रख के आपको दिखाते हैं ये कितना अच्छा बना है। ये देखिए हमारे सांभर पाउडर बिल्कुल अच्छा सा बन के तैयार हो गया है। इससे सांभर बनाइए, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है आप ट्राई करिए, अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसको बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।